नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो पेड क्विज हम देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे। हमारे ग्रुप लेटेस्ट में स्टार्ट हुए, इसके लिए आप उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पे हमारे 3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके बहुत ही नॉमिनल फी में एडमिशन लेके अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, प्लीज़ इसको फॉलो किया करें। और वीडियो के एंड में आपसे एक कह लीजिए हमारी विनती है कि जो चीज़ें यहाँ पे आप देखें शॉर्ट फॉर्म में उसको आप डिटेल में भी पढ़ें, क्योंकि वही चीज़ें आगे जाकर के डिटेल में आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में देखने को मिलती हैं, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है इसरो यानी कि जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक स्पेस पोर्ट जो है दूसरा है ना, अभी जैसे श्रीहरिकोटा का नाम आप सुनते हैं, लॉन्च व्हीकल्स जहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं हमारे ये सब सैटेलाइट्स वगैरह, तो दूसरा अभी इसी क्रम में स्पेस पोर्ट जो है कुलसेकर पट्टिनम, ये एक टाउन है बेसिकली, ठीक, इसमें स्थापित किया जाएगा जो किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में ये इसको जो है सेटअप किया जा रहा है, वहाँ का एक तूथुकुडी करके जिला है, ठीक है, उसमें ये टाउन है। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, कभी पूछ ले कि ये नाम चर्चा में क्यों रहा था ना, तो इस वजह से ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुइपर किससे संबंधित है, ठीक है। तो बेसिकली जो अमेज़ॉन कंपनी है, इन्होंने फ्यूचर में कुछ लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज ऑफर करने के लिए ये सैटेलाइट्स जो है लॉन्च किए हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, तो इस वजह से चर्चा में रहा था ये, थोड़ा डिटेल में भी देखिए इसको। युद्धग्रस्त इसराइल में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाएगा कभी ना किसी न किसी एग्जाम में आगे। ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे हमास अटैक वगैरह, तो वहाँ पर इसराइल में जो इंडियंस हैं उनको जो है इंडिया वापस लाया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है, किस दिन को मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनाल्टी। तो जो लोगों को मृत्यु दंड दिया जाता है फांसी वगैरह की सजा, तो इसके अगेंस्ट में भी एक डे ऑब्जर्व करते हैं 10 अक्टूबर को, ठीक। देखिए पार्लियामेंट में हमारे जो दो हाउसेज हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो इनके कुछ विशेषाधिकार हैं, जैसे मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, वैसे ही राज्यसभा के जो विशेषाधिकार हैं उसमें से एक है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे वर्तमान में 3 है, कौन कौन सी, IAS, IPS और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अगर कोई चौथी बनानी हो, जैसे मान लीजिए इंडियन जुडिशियल सर्विस हमें बनानी हो, ठीक है, तो उससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो इनिशिएट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से स्टार्ट होगा, लेटर ऑन वो लोकसभा से पास होकर के आगे जो प्रोसीजर है उसमें होगा। तो ये जो है विशेषाधिकार है राज्यसभा का, बाकी जो है इन तीनों के जो कह लीजिए संदर्भ में इक्वल शक्तियाँ हैं लोकसभा और राज्यसभा के पास। काफ़ी पॉपुलर एक ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट इंडिया में आप देखेंगे, लद्दाख के रीजन में जो है अब डिवीज़न के बाद ही आता है। तो जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ ऑफ नूबरा वैली, ठीक है, नूबरा रिवर है ना जो कि सोर्स है इसका। और हिमालयन रेंज की बात करें, कई बार ये पूछते हैं कि किस हिमालयन रेंज का पार्ट है, तो ईस्टर्न काराकोरम रेंज, ठीक है, एक बार इसको मैप पे लोकेट कीजिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है, तो प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य से संबंधित जोड़ी देखनी है, तो भीलसा जो है ये मध्य प्रदेश, ठीक है, विदिशा जो वर्तमान का है इससे ही संबंधित ये नाम है, द्वार समुद्र जो है ये गलत है, ये देखेंगे तो इसमें कर्नाटका से संबंधित है ये, ठीक है, होयसाल की जो शासक थे उनकी कैपिटल थी, और तो ये गलत हो गया, ठीक, गिरनार गुजरात ये ठीक है, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश नहीं, ये स्थानेश्वर महादेव का टेंपल काफ़ी पॉपुलर है जो हरियाणा में है, तो 1 और 3 फर्स्ट ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही लेस होता है किसका? शुगर केन का। ठीक है, ये विकल्प हमारा ठीक होगा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? ठीक है, यानी कि सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो देखिए, मुगल अंपायर की बात हो रही है, ठीक है, और मेनली वो मिलिट्री फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था नेचर में, और जो टेरिटरीज थी इनके अंदर, है ना, वो मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइडेड थी, है ना। सबसे जो कह लीजिए इन विकल्पों के हिसाब से देखें तो परगना पहले होता था। परगना क्या होता था कि कई सारे गांवों का समूह कह लीजिए, ठीक है। फिर परगना के ऊपर होता था जो है सरकार, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो वर्तमान में है, हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। और कई सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के एक स्टेट बनता था विच वॉज नोन एज सूबा, ठीक। तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अकबर के शासनकाल में कितने सूबे थे इनकी टेरिटरी में, जरा कमेंट करके बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति इसमें से कौन थे? तो 1885 से जो फाउंडेशन हुआ तो हर साल आप देखते थे कि इसके सेशंस होते थे और उसके अध्यक्ष होते थे, ठीक है। तो 1923 में जो सेशन के लिए चुने गए अबुल कलाम आज़ाद, है ना, तो तब ये मात्र 35 वर्ष के थे, तो ही वॉज द यंगेस्ट। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जो कथन है इसमें सही देखना है। तंजावुर में जो है तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, बिल्कुल ठीक है। और पेरियार नदी नहीं, कावेरी के तट पे है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। इसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, तो ये बात भी ठीक है। राजराज चोल फर्स्ट के द्वारा अराउंड 1010 AD में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, और यह नागर शैली का उदाहरण है। तो मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं, तो नागर मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में थी ना, ये द्रविड़ शैली का एग्जांपल है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के संबंध में आरोही क्रम में व्यवस्थित करें जनगणना 2011 के अनुसार। तो आंकड़े भी यही वाले पढ़ने हैं। तो देखिए, इसमें सिक्किम की पॉपुलेशन जो थी लगभग 6,07,000 प्लस, फिर मिजोरम की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन लगभग 10,91,000 प्लस थी, और अरुणाचल की लगभग 13,82,000 प्लस। तो 3-2-1 असेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। भारत के प्राचीन विद्वानों व साहित्यकारों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो जैसे इनकी पुस्तकें काफ़ी फेमस हैं, जो विद्वान हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी अमर सिंह के द्वारा लिखी गई थी, जो है अमरकोश, और कालिदास की जैसे आप ये सब पढ़ते ही हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम मेघदूत ये सब, ठीक है। तो ये तो एसोसिएटेड थे चंद्रगुप्त सेकंड से, बट ये दोनों पेयर गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन सही कौन सा है? सिर्फ 3। जल में तैरने वाले अति सूक्ष्म पौधों को क्या कहा जाता है? तो सरफेस में आप देखेंगे एक्वाटिक जो बॉडीज हैं, खास करके तालाब, है ना, रिवर के कोस्ट वगैरह पे देखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना, ये होते हैं ये। मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा भेदभाव के अस्पृश्यता के खिलाफ संरक्षण को शामिल करता है? तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में हमारे दिए हुए हैं आर्टिकल 12 से 35 के मध्य। ये कुछ कुछ आर्टिकल हमारे कुछ भागों में विभाजित हैं। तो जैसे एक है, है ना, राइट टू इक्वालिटी, जो यहाँ डी ऑप्शन में लिखा है, इसमें आर्टिकल 14 से 18 के बीच के जो आर्टिकल हैं वो इसमें शामिल हैं। तो अस्पृश्यता यानी जो अनटचबिलिटी प्रोहिबिशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दी हुई है आर्टिकल 17 में, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यही वाला और हमारा जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी। कुछ इंटरनेशनल ट्राइब्स हैं, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सेमांग ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न अफ्रीका में नहीं, बल्कि इधर देखेंगे इंडोनेशिया और थाईलैंड वगैरह में जो है पाई जाती हैं, मलेशिया, ठीक। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 371 और उसके जो अन्य अनुच्छेद हैं, है ना, ए से आगे बी सी डी ई ऐसे, ठीक। तो इसको मैच करना है, 371 का हो जाएगा 4, 3-2-1, है ना, 4-3-2-1 सही हो जाएगा इसमें।
नेक्स्ट है, हाल ही में बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा। ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, सी ऑप्शन में इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, बेसिकली कॉटन बेल्स के रेफरेंस में ये सिस्टम है, किस रिगार्डिंग उनकी जो क्वालिटी है, कह लीजिए वेराइटी, ओरिजिन ऑफ कॉटन, है ना, ट्रांसपोर्ट और जो है ये क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, स्टोरेज डिटेल, इन सब की इन्फॉर्मेशन से लैस एक QR कोड बेस्ड सिस्टम है जो फर्दर किस पे बेस्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, इस सिस्टम को कैसे ये वर्क करता है थोड़ा अगर चाहें तो आप सर्च करके पढ़ें। तो यहाँ पे इस सिस्टम का नाम ध्यान रखना जरूरी है, बेल आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड बाई कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान रखेंगे। रिसेंटली जो है राजस्थान गवर्नमेंट और जो उनका एनवायरनमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो ये जो है उदयपुर को यहाँ पे एक जो कह लीजिए इंडिया का पहला वेटलैंड सिटी जो है इसके रूप में डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं। उदयपुर बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पे ये सिटी जो है सराउंडेड है 5 मेजर लेक से। इसमें कौन कौन सी लेक हैं? पिछोला लेक है, फतेह सागर, रंग सागर, ठीक है, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ठीक है, तो इनके नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे। और पोटेंशियल एक रामसर कन्वेंशन जो है साइट है, तो सिटी का नाम ध्यान रखना ज़रूरी है। हाल ही में द वैक्सीन वॉर फिल्म को ऑस्कर लाइब्रेरी के एकेडमी कलेक्शन में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस फिल्म के निर्देशक कौन है हमें ये बताना है। तो एक शॉर्ट मूवी है, मतलब बनाई गई थी विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। ठीक है, अक्टूबर में 6वां वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 कहाँ पर लॉन्च किया गया या आयोजित किया गया? तो नोएडा में जो है एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस में इसको आयोजित किया गया था। और थीम जो है हो सके तो ध्यान रखेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस। ठीक है, नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो मुंबई में हुआ था, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, इसको भी ध्यान रखना है। और इसमें ही इस चीज़ पे डिक्लेरेशन हुआ है कि इंडिया में ओलंपिक गेम्स को आयोजित किया जाएगा पूरी तरीके से। तो जरा आप ये बताएं किस वर्ष का डिक्लेरेशन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने रूसी ओलंपिक समिति को जो है IOC के चार्टर के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है अभी हाल ही में। तो जैसे सिटीज़न चार्टर आपने पढ़ा होगा, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का एक गाइडलाइन होता है। तो यहाँ पे IOC के इस चार्टर का उल्लंघन किया था रशियन ओलंपिक कमेटी ने, तो इसलिए इसको सस्पेंड किया गया है। और क्वेश्चन ये पूछा इन्होंने कि IOC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU कौन सा है? तो फोर्ब्स समूह ने वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट अभी जारी की थी, उसमें NTPC है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है, इकलौता ये PSU जो है शामिल हुआ है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, यहाँ पे नाम देखिए राइट्स लिमिटेड, इसको नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक, तो इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी हमें ये बताना है। तो राइट्स बेसिकली एक जो है PSU है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, ठीक है, रेलवे से संबंधित जो सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करता है, तो इसको नवरत्न का स्टेटस मिला है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके इंक्लूजन के साथ नवरत्न कंपनीज की कुल संख्या हो गई 15। ठीक है, और ये कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 1974 में। नेक्स्ट है फाइटिंग इन इक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर, ये किसका थीम है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये डे कब ऑब्जर्व करते हैं, जो कब मनाया गया 2023 में? तो ये होता है 13 अक्टूबर को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के 125 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो काफी खराब परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन होती जा रही है, 111वां रैंक है। ठीक है, हाल ही में किस लेखिका को 2022 में उनकी आत्मकथा सूर्य वामसम, ये बुक का नाम है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इसके लिए सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो लिटरेरी अवार्ड होता है हमारा सरस्वती सम्मान, और एक तमिल राइटर हैं, ठीक है,
शिव शंकरी ऑप्शन बी जो है, तो यहाँ पे इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित इवेंट्स को जो है क्रोनोलॉजी में लगाना है हमें, इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस किया करिए आप लोग। यूपी पीसीएस की आदत है इस तरह के क्वेश्चंस को पूछना, ये वाले क्वेश्चन मैच लिस्ट, दो लिस्ट दे देंगे उसको मैच करवाइए, है ना, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। CR फॉर्मूला, ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जी के द्वारा इसको दिया गया था, है ना। पॉलिटिकल डेडलॉक था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच, उसके लिए इन्होंने ये फॉर्मूला सुझाया था, इसको राजा जी फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये 1944 का है। अगर इसमें हम क्रोनोलॉजी में देखें तो सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की 1939 मई में, ठीक है। फिर हो इसमें आ जाएगा हमारा अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, ये अगस्त 1940। फिर जो है आ जाएगा हमारा इसमें CR फार्मूला 44, और उसके बाद लास्ट में वैबल प्लान, ठीक है, जुलाई 45। तो सी विकल्प बन रहा है इसमें। इन इवेंट्स के क्या फीचर्स हैं, जितने भी इवेंट हमने देखे हैं यहाँ पे, इन सबको प्लीज़ रिवाइज करते चलें। यहाँ पे 7 प्रकार की अलग अलग बीमारियाँ लिखी हुई हैं, तो पूछा गया कि मच्छर से होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं। निम्नलिखित में से मच्छर जनित बीमारियाँ, तो मॉस्किटो बॉर्न सारी ही यहाँ पे हैं, ठीक है, सब में कहीं ना कहीं मच्छरों का योगदान होता है, तो नाम एक बार देख लीजिए सभी। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, है ना, तो मंगदेछू जल विद्युत परियोजना ये भूटान की एक परियोजना है। चाकू खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये मालदीव का नहीं है, ये नेपाल का है, ठीक है, ये वाला गलत हो गया, तो ठीक ये सही है। कामेंग इंडिया का है, किस स्टेट में है ये जरा बताइए। दो लिस्ट हमारे पास है, टाइगर रिजर्व और रेस्पेक्टिव स्टेट जहाँ पे वो हैं, ठीक है, उसको मैच करना है। तो सन्नामेरी है असम में, ए का 2। फिर है पेरियार केरला, तो बी का हो गया 4। कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, C3। और सतकोशिया जो है ये ओडिशा में है, यानी कि D4। तो सॉरी D4 नहीं, D1 है ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। दो स्टेटमेंट फिर से हमारे पास है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, लोकसभा के लिए है आर्टिकल 75 के अंदर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। दोनों बातें हमारी ठीक है यहाँ पे, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे, ठीक है, पावर पोजिशन को इस्तेमाल करने के लिए, बट अभी इसको लिमिट किया गया है, ठीक है। मान लीजिए कि 100 मेंबर हैं हमारे फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ 15% यानी 15 लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। हालांकि हमने इसके बारे में पहले बात की हुई है, विच अमेंडमेंट जो है इससे संबंधित, जरा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है बेंजीन प्रदूषण के जोखिम के लिए इसमें से कौन से कारक हैं, ठीक है। बेंजीन पोल्यूशन काफ़ी जो है हार्मफुल होता है, तो ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो हमारे व्हीकल हैं उससे जो हमारा पोल्यूशन धुएं के रूप में निकलता है उससे एक हमारा ये सोर्स होता है, जो सिगरेट वगैरह होता है तंबाकू का धुआं है ना इससे भी होता है, वुड बर्निंग से भी बेंजीन पोल्यूशन एक्सपोज हो सकता है, तो तीनों कारण हो सकते हैं यहाँ पे। इसमें देखें कौन सा सही युग्म है, ठीक है, हमारी कुछ रिवर्स हैं और उनका जो कह लीजिए समाप्ति का स्थल है, कहाँ पे वो फ्लो होकर समाप्त होती हैं, वो वाटर बॉडी का नाम लिखा है। तो मेकोंग देखेंगे ये बेसिकली साउथ चाइना सी में जाती है, तो ये वाला पेयर हमारा गलत है, ठीक। थेम्स जो है यूके में आप देखते हैं, तो ये नॉर्दर्न सी में जाती है, इसमें यहाँ पे आयरिश सागर भी गलत है। वोल्गा और जाम्बेजी ये दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग इसमें से कहाँ पर पाए जाते हैं ये बताना है हमें, तो मोस्टली हिमालयन रीजन में देखेंगे, इनका हैबिटेट है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री, ये दोनों हैं इसमें उत्तराखंड में, ठीक है, तो यहाँ पाए जाते हैं, बाकी ये दोनों ऑड हो जाएंगे, ठीक। निम्नलिखित में से किस झील से होकर के विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर की बात हो रही है 0 डिग्री, तो अफ्रीका से आप जानते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमारी तीनों लाइंस पास होती हैं, तो विक्टोरिया जो है ये मेनली नाइल कह रहे हैं, ये तंजानिया और युगांडा है ना, इन देशों के टेरिटरी से संबंधित है, तो ये जो है
सी ऑप्शन को चुनेंगे। मैप पे भी इसको लोकेट कीजिएगा। अक्सर पूछते हैं कि विक्टोरिया के एडजेसेंट नेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हमको सही कथन देखना है, तो RBI वॉज एस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ 1934 एक्ट। तो RBI एक्ट बना था, है ना, और उसके माध्यम से, तो एक्ट ध्यान दीजिएगा 34 का है। अब स्थापना 1 अप्रैल 1935 से हुई है, हिल्टन यंग कमीशन था उसके रिकमेंडेशन पे, है ना, इसकी स्थापना हुई, ठीक बात है ये। इसका केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है। लेटर ऑन इसको शिफ्ट किया गया है मुंबई में हेडक्वार्टर, तो अभी भी मुंबई में ही है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आप ये हमें बता सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र जो है कब हुआ था, किस वर्ष में, और इसके पूर्णकालिक सदस्यों में 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पर ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी की बात हो रही है, किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता, है ना, कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आयोजन हुआ है यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, वेल्स में, इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। और मेडल, गोल्ड मेडल, अक्टूबर 2023 में 17वां CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एक समूह है, तो इसका एनुअल टूरिज्म समिट कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये मुंबई में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, इसका उद्घाटन किया है। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, ठीक, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। अक्टूबर 2023 में लद्दाख जास्कर महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, ये बताना है, ठीक है। तो जो है 8th एडिशन था ये, ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे, लद्दाख जास्कर फेस्टिवल। और मेनली जो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसमें ट्रेडिशनल फोक आर्टिस्ट होते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस होती हैं, और जो हैंडलूम वगैरह है, इन सब चीज़ों को, है ना, प्रदर्शित किया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण की परियोजना शुरू की है, तो पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, और इन्होंने इसके कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट चलाया है, है ना। इन जीवों के जो इस प्रोजेक्ट के तहत जो कह लीजिए इसके लक्ष्य हैं, तो इनकी टोटल पॉपुलेशन को जो है एस्टिमेट करना, और इनको इनके जो हिस्टोरिक हैबिटाट हों उसमें इनको दोबारा से कह लीजिए सेटल करना, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना इनके प्रोटेक्शन के लिए, और थ्रेट्स वगैरह को टैकल करना, इसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया है। हाल ही में किसको जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है, तो फिल्म मेकर थे काफ़ी पॉपुलर भारत के सत्यजीत रे, तो इनके नाम से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट, काफ़ी ख्याति प्राप्त जो लोग होते हैं इस फील्ड के उनको दिया जाता है, तो माइकल डगलस को चुना गया है, ठीक। आप ये बताइए जहाँ कहाँ से संबंधित हैं ये माइकल डगलस। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो वंदन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको डिक्लेयर किया है रिसेंटली। राज्य के शहरों की सड़कों को और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा, तो अभी रिसेंटली इसकी भी अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश में ही हुई है, और टोटल जो है 500 करोड़ का फंड इसमें एलोकेट किया जाएगा, ठीक। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस CM ग्रेड परियोजना का, तो शहरी क्षेत्रों में जो सड़कें हैं, है ना, उनको बेहतर किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देख लीजिए, और जो भी चीज़ें पूछी गई हैं उसको कमेंट करके बताइए, इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।